दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्षय रोग के बारे में, जिसे कहा जाता है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों क्या आप जानते हैं टीबी एक संक्रामक रोग होता है जो कि माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके अलावा हम कौन कौन से योगासन से इसे ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगा वाले पर। दोस्तों जो टीबी की बीमारी होती है वो मेनली हमारे लंग्स पर इफेक्ट करती है यानी हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट करती है। वैसे तो टीबी शरीर के किसी भी हिस्से को इफेक्ट कर लेती है, लेकिन मेनली यानी सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पर इफेक्ट करती है, जिसके कुछ लक्षण होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा खांसी आना और बहुत लंबे समय तक खांसी रहना, यानी खांसी अगर आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। उसमें आपकी बलगम की भी जांच होती है, जिससे पता चल पाता है कि आपको कहीं टीबी की शिकायत तो नहीं है। और दोस्तों ज़्यादातर लोगों में इसकी शुरुआत हल्के फीवर के साथ होती है, वेट धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, साथ में जो भूख लगना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बार बार आपको वॉमिट करने का मन करता है, शरीर में कमजोरी सी बनी रहती है, और इसी के साथ साथ जब भी आप छोटे मोटे काम करते हैं तो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा जल्दी थकना शुरू हो जाता है। और दोस्तों लंग्स के अलावा टीबी मेनली एक पेट पर भी हमारे असर करती है, यानी अगर आपको पेट का टीबी है तो इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारे कॉन्स्टिपेशन पे आ जाता है, यानी हमारा कब्ज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, पेट बिल्कुल साफ़ नहीं रहता है, भूख एकदम ख़त्म हो जाती है और साथ साथ में हमें डायरिया की शिकायत भी बन जाती है। डायरिया दोस्तों वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा पेट ख़राब हो जाता है, यानी हम जो कुछ भी खाते हैं तुरंत हमें मोशन हो जाते हैं और तुरंत जो खाया हुआ होता है वो हमारे मल द्वार से बाहर हो जाता है। दोस्तों अगर हमें टीबी की शिकायत होने लगती है तो अगर हम सही टाइम पर डॉक्टर को दिखाकर इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप इससे बच भी जाते हैं, यानी हम इजीली इससे बच सकते हैं, लेकिन हमें इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लक्षण यानी दिखाई दे रहे हैं अपनी बॉडी में तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर आप ये योगासन यानी जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी टीबी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ऐसे योगासन हैं जो हमें टीबी की शिकायत में करने हैं। चलिए सबसे पहले आसन के लिए हम आ जाएंगे पश्चिमोत्तान में। करना क्या है, आपको दोनों पैरों को फैला लेना है इस तरीके से, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, पैरों को इस तरीके से शेक कर लेंगे। पंजे दोस्तों आपके फेस के पास आ जाने चाहिए इस तरीके से, यानी फेस के पॉइंट पे इस तरीके से फोकस हो जाना चाहिए आपके पंजों का। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांसों को भर लेंगे, इनहेल करते हुए और सांस को छोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ लेंगे और आगे की ओर जितना हो सके झुकते हुए आपको वहीं पर होल्ड करके रखना है 20 सेकेंड तक। ठीक है, इसी पोजिशन में जाएंगे यानी अपने अंगूठे को ग्रिप करते हुए सांस को छोड़ेंगे और जितना आगे हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप आगे की ओर झुक जाएंगे और यहीं पर आपको बने रहना है। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे रिपीट करते हुए 20 सेकंड की ड्यूरेशन में। फिर धीरे से सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पकड़ ले जाएंगे, रिलीज कर देंगे एक्सहेल करते हुए। चलिए वहीं से अपनी मैट पर खड़े हो जाना है, अपने हाथों और पैरों को अच्छे से मूव कर लेना है ताकि बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छे से हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर पहुँचे अपनी आपकी पूरी बॉडी तक। चलिए अब यहीं से हम दूसरे आसन की ओर आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए आपको करना क्या है, दोनों पैरों को सिंपली मिला लेना है, पोजीशन आपकी सावधान स्थिति में आ जाएगी बिल्कुल। अब यहीं से सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड यानी आगे की ओर आपको झुक जाना है, जितना हो सके आगे की ओर झुकेंगे इस तरीके से, आगे की ओर झुकते हुए यहीं पर आपको होल्ड करना है। अगर आप पूरा फॉरवर्ड जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं जा सकते हैं तो जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कर लेंगे। इसे भी 20 सेकंड तक होल्ड करते हुए आना है, फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए रिलीज कर लेंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम त्रिकोण आसन के लिए, तीसरा अभ्यास रहेगा हमारा त्रिकोण आसन का। पैरों को खोल लेंगे, अब यहीं से अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट टो पर टक करते हुए जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट टो पर टक करते हुए जाएंगे। देख लें किस तरीके से करना है, बॉडी को हल्का सा आगे की ओर झुका लेंगे, इस तरीके से आना है 1 2। इसी तरीके से आपको 20 बार कर लेना है, यानी आपका अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को टच करते हुए जाएगा। अब यहीं पर आपको होल्ड करते हुए भी आना है, 20 सेकंड कर लिया, उसके बाद आपको अपना राइट हैंड लेफ्ट टो पे रख देना है, दूसरा हाथ हवा में हो जाएगा, यहीं पर होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड तक। फिर साइड चेंज करते हुए दूसरी साइड जाएंगे, यहाँ पर भी आपको होल्ड करके रखना है 20 सेकंड तक।
पर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोस्तों इसे भी आप 3 बार जरूर रिपीट करेंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम चौथे योगासन के लिए, जिसे हम बोलते हैं ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली दोनों पैरों को मिला लेना है हाथों को इंटरलॉक करते हुए। अब यहीं से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और साथ में अपनी टो को भी लिफ्ट करेंगे। देख लेंगे किस तरीके से करना है। इनहेल करते हुए दोनों पंजों को उठा लेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रखेंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच पूरी बॉडी में हमारे जाना चाहिए। यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। इसे बोलते हैं हम ताड़ासन का अभ्यास। फिर धीरे से रिलीज कर लेंगे। चलिए अब यहीं से अंतिम आसन की ओर आएंगे, जो कि ताड़ासन का एक वेरिएशन है, जिसको हम बोलते हैं त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए क्या करना है, आपको पैरों में हल्का सा गैप दे देना है इस तरीके से। अब यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इनहेल करेंगे। अब ये इस तरीके से आपको राइट साइड लेके जाना है, अप साइड चेंज अप। इसी तरीके से आपको 20 बार कर लेना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब यहीं पर आप होल्ड करते हुए आएंगे, यानी आप राइट साइड जाएंगे और 20 सेकंड होल्ड करेंगे। ये हम गए राइट साइड, स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे यहीं पे 20 सेकंड, फिर आप आ जाएंगे। अब यहीं से हमारा साइड चेंज हो जाएगा, दूसरी साइड जाते हुए भी आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे से अप करते हुए रिलीज कर लेंगे। दोस्तों इन योगासन को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा टीबी मरीजों में ये होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होती है, यानी बढ़ जाती है, और जो व्यक्ति होता है वो हमेशा खुश और हेल्दी फील करता है। इसलिए टीबी के मरीजों को ज़रूर योगा का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, और इनबॉक्स में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।